हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रिया और उसके भेद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह जल्दी उठता है, मैं देर तक सोता हूँ, जोकर हंस रहा है, बच्चा रोता है आदि। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना खाया, रवि ने पत्र लिखा, गीता रचना को पढ़ाती है आदि। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्रिया और उसके भेद। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए MWA Academy को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।